गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? तो आए आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मेरे लिए कुछ खास स्पेशल दिन है। और आज मेरी शादी की सालगिरह है, यानी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था ना कि आज मेरे लिए कुछ स्पेशल है, कुछ खास है। तो आज वही दिन है और अभी शुरुआत नहीं की है मैंने, शुरुआत अभी करूँगी। तो सोचा कि आपसे बात कर लो। और अभी तो मैंने ये सूट पहना, ये कुर्ता पहना है, तो दिख रहा है ये वाला। तो अभी कुछ नहीं, बस शाम को देखूँ। कुछ खास ऐसा कुछ नहीं है, किसी को नहीं बुलाए हैं, क्योंकि आप जानते हो कोरोना काल में कोई आ भी नहीं सकता। और अभी तो लॉकडाउन खुला है और सब खुला है, लेकिन फिर भी नहीं रिस्क ले सकते। तो ये बोले कि बिल्कुल घर में सिंपल सा बनाए, तो बस घर में मना रहे हैं हम। केक ले आएंगे और बाकी बस सिंपल वही हमारी फैमिली और मीठी और उनकी मम्मी आएगी। मतलब बुलाया है, आएगी तो देखते हैं, क्योंकि उनको भी बारिश वारिश का मौसम रहता है, छोटी सी बच्ची है, तो वो भी बोल रहे थे देखूंगी। तो बस वो आएंगे और कोई आता है तो अच्छा लगता है। घर में क्या बनाना, पिछले साल भी हमने लॉकडाउन में बनाया था और ऐसे सिंपल बनाया था, लेकिन इस बार भी ऐसे ही सिंपल है। देखते कुछ अभी दिन गए नहीं है, तो बस यही है। और आप अपनी विश हमेशा हमारे साथ रखना और ऐसे ही एनिवर्सरी मना दे रहे गोल्डन जुबली तक। आजकल गोल्डन जुबली तक तो कोई आके जाता ही नहीं है। तो यही बस यही बताना था। और हो गए, अब मैं जा रही हूँ लंच करने, क्योंकि आज बहुत लेट हो गई हूँ। तो अभी लंच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी, क्या क्या करती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी और सिंपल सा डेकोरेट करूँगी। बाकी कुछ नहीं, केक कटिंग है, बाकी कुछ भी नहीं है। और बस तो फिर ये शाम का समय है और मैं यहाँ पे सब्जी बगा रही हूँ। ज़्यादा कोई आ ही नहीं रहा था, बस घर घर के। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन मंगाई थी और वो मिट्टी की मम्मी आने वाली थी, बाकी कोई नहीं आने वाला था। और हमारी नंद की बहू को हमने बताया नहीं, तो हो सके वो भी आ जाए, क्योंकि सुबह भी उन्हें मतलब हमसे बात की थी, तो हम आएँगे करके ऐसे बोल रहे थे। फिर इसके बाद वो यहाँ पे सब्जी बगा दी थी मैंने, और यहाँ पर मैं जीरा राइस बगा रही हूँ। और हो गया हमारा सिंपल सा खाना था। और रोटी बना रही थी मैं तेल लगा के, जो दो पूरी होती है वही बना रही थी। और ये बारिश इतनी आ रही थी कि मुझे लगा कि अभी कोई नहीं आएगा, सच में कोई नहीं आया। और इतना मिस कर रहे थे हम मिठी के मम्मी को और मिठी को, विनीता को, यानी कि मॉम विथ मिठी जो है ना चैनल उनका। उसके बाद फिर मेरी नंद की बहू आ गई, ये देखिए अंकिता, और वो घर के ही इसमें आ गई थी, क्योंकि पता है उनको पता ही नहीं था। वो पीयू भी कपड़े घर के आए थे, उसको मैं ये कपड़े चेंज पहना दे रही, लहंगा परी का, क्योंकि परी जब छोटी थी ना तब था। तो वो उसको बोल रही कि मेरे को गड़ रहा है, मेरे को गड़ रहा है। तो फिर उसने ना देखिए इतनी अच्छी दिख रही थी, फिर भी है ना बोल रही कि मुझे गड़ रहा है। तो फिर उसने अपना टी शर्ट और लेगी, और गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो उसने टी शर्ट और लेगी पहन ली ये उतार के। उसके मम्मी को देखो परेशान कर रही थी वो। फिर यहाँ पर वो भी तैयार हो रही, और वो मैंने अंकिता को है ना, इसका नाम अंकिता है, मेरी नंद की बहू, यानी मेरी भी बहू लगती है, भानिज बहू। तो उसको मैंने अपना सूट दे दिया पहनने के लिए, और आ गया उनको, क्योंकि वो भी बहुत दुबली पतली है। तो उस हिसाब से मैंने यही सूट था, दुबला पतला वाला, क्योंकि मैं थोड़ी मोटी हूँ उसके हिसाब से। और वो सजा दे रही थोड़ा फ्लावर, क्योंकि मैं तैयार हो रही थी, तो वो लगा के दे रही है। तो ये देखिए वो कर दे रहे हो, मैं थोड़ी तैयार हो रही थी, बाकी खाना वाना तो मैंने बना लिया था। तो बस यही चल रहा था, और सिंपल सा बनाने का। अच्छा हुआ ये पीहू और अंकिता आ गई थी, नहीं तो हम लोग ही मना लेते। पिछले साल तो हम लोग ने मनाए, और यहाँ पे सिद्धार्थ जी बलून फुगा के दे रहे हैं। तो देखिए और ये बारिश बहुत आ रही थी। हेलो फ्रेंड, तो अभी बज चुके हैं 8:30 बज चुके हैं या 8 बज चुके हैं, और मुझे अभी केक कटिंग कर रही है, और कोई नहीं आया है। मिट्टी की मम्मी की मैंने वेट किया, और ये अंकिता आई है, हमारी नंद की बड़ी बहू। हाय बोल दो। हाँ, तो और पीहू की मम्मी, इनका वीडियो मैंने एब्रो का डाला है, सबसे फर्स्ट वाला, तो आप देख लीजिएगा। और बस मिट्टी की मम्मी का वेट कर रहे थे, लेकिन बारिश बहुत आ रही, तो इस वजह से वो नहीं आ रहे। और इनको मैंने बुला रहे थे, कल पीहू का बर्थडे है, तो इसलिए ना मतलब बुलाने आई है। मैंने आपको बताया था ना सुबह ही, मैं जब बात की तभी बताया था कि कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से, और मैंने ज़्यादा पानी की वजह से किसी को बुलाया नहीं। तो बस अब केक आउट में देखिए
मेरा लुक ये है, तो मैं अभी फुल दिखा दूंगी आपको और सिंपल से तैयार होगी, ज़्यादा ये नहीं है। और आप बताइएगा मैं कैसे देख रही हूँ करके। तो बस अब हमारा केक कटिंग तैयार हो जाएगा, तो आप इंजॉय कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये परी है ना थाली लेके आ रही है मेरे लिए, और आज बच्चियों ने सब किया, बहुत अच्छा लगा बेटियों ने किया। और यहाँ पे हम लोग है ना पूजा कर रहे हैं, बुद्ध वंदना ले ली, मैंने म्यूट कर दिया था, और अब हम जा रहे हैं। तो ये देखिए हम दोनों जा रहे हैं, मैं कैसे दिख रही हूँ ये ब्लू सूट में, तो आप बताइएगा बिल्कुल सिंपल सी। और देखिए अंकिता भी बैठी है और हम दोनों आ गए हैं, और ऐसे ही हमें साथी ऐसा लगे नहीं, साथी मरे साथी जिए बस ऐसा ही लगता है, कभी भी मरे लेकिन साथ में मरे। और ये देखिए केक ये ले आए जेल, रेड जेल वाला केक है ये, बहुत टेस्टी केक था। तो ये 6:30 बजे चले गए थे, बारिश बहुत आ रही थी, बारिश में मैं तैयार खाना बना रही थी। और यहाँ पे ये अंकिता है हमारी, अक्षिवंत कर रही है यानी कि तिलक लगा रही है, और डिंकी परी भी करेगी, और पीहू को मैंने बीच में बिठा दिया। देखिए वो अपने अवतार में आ गई, उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा था वो लहंगा, तो इसलिए उसने ना ये पहन लिया। कोई बात नहीं, बच्ची बहुत सुंदर है, कपड़े को नहीं मन को देखना चाहिए। तो ये है क्योंकि वो घर से इस हिसाब से, उनको पता ही नहीं था कि मैं मना रही हूँ करके, अगर मैं उनको बुला लेती तो पूरी मेरी नन पूरी फैमिली आ जाती, लेकिन मैंने उनको नहीं बुलाया था क्योंकि फिर बारिश वारिश के दिन थे। मैं बोली कि और कल पीहू का भी बर्थडे है इसका, तो इसका भी आप मैं शेयर करूंगी ज़रूर। तो ये देखिए हम दोनों बैठे हैं, और है ना परी भी मुझे तिलक कर रही है, और परी को ये गाउन बहुत पसंद है तो ये बहुत ज़्यादा पहनती है। और डिंकी ने जीन्स और टॉपी पहन लिया था क्योंकि सुबह दूसरा पहना था, फिर दूसरा पहना उसने, तो यही है चल रहा है। और ये भी मुझे तिलक कर रही, फिर हम केक काट लेंगे और ये कर लेंगे, हो गया हमारा। और अच्छा लगा मतलब छोटा सा गेट टुगेदर, और हर साल हम दोनों ही ये करते रहते हैं। वहाँ जब मैं दूसरी जगह रहती थी तो वहाँ के जो किराएदार रहते थे वो आते थे, और आज हमारी जहाँ मैं किराए से रहती थी वो भी हमारे मकान मालकिन की वो भी आई थी, लेकिन वो दिन में ही चली गई थी फेशियल करने आई थी। तो फिर अब देखिए आप देखिए यहाँ पर मैं है ना कैंडल जला रही हूँ, और अब ये बुझा देंगे। फिर पीहू को बहुत मज़ा आ रही थी, मिट्टी को बहुत मिस कर रही थी, यहाँ मिट्टी रहती ना और मज़ा आता, तो कोई बात नहीं, और पीहू और मिट्टी दोनों मिलके बहुत और मज़ा आता। ये देखिए तो यही चल रहा है, और यहाँ पे हम कैंडल बुझा देंगे और उसके बाद है ना हम केक कटिंग कर लेंगे। तो यही सिंपल सा कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा गाइस, और बिल्कुल सिंपल लुक में ज़्यादा ये नहीं है। और मेरा ये सूट कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा, तो आप बताइएगा, बिल्कुल सिंपल सा लुक है, और बहुत दिनों से मैंने ले लिखा था। ये देखिए अभी केक काट रही हूँ मैं, पीहू परी मैं और सिद्धार्थ जी, हम चारों मिलके काट रहे हैं, अंकिता बैठी थी वहाँ पे, और अब मैं इनको खिला दूँगी, ये मुझे खिला देंगे, और फिर बच्चों को अंकिता को, फिर हमारी पार्टी, फिर हम थोड़े से डांस भी कर लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि मज़ा अगर पार्टी हो और डांस ना हो ये हो ही नहीं सकता है, बच्चे की खुशी रहती है। तो डिंकी परी बहुत बोल रही थी कि बारिश आ रही मम्मी डांस कर लेते हैं, तो दो तीन डांस कर लिए, फिर अंकिता को भी जाना था, फिर मेरे भानेज भी मतलब अंकिता के हब्बी भी आ गए थे पीहू के पापा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि मुझे मतलब विश्वास नहीं था कि ये लोग आएंगे करके, ऐसा लग रहा था। तो देखिए बहुत जो मतलब वो नहीं आए तो ये आए, तो बहुत अच्छा लगा, मतलब कोई तो हो फैमिली में जो आए। और यहाँ पे मैं उनको खिला रही हूँ, मुझे खिला रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा, ये मोमेंट यादगार रहता है। और ऐसे ही और ये कोरोना काल में, और मैं ना उनके कान दाल में लगा रही थी तो इसलिए वो हंस रहे थे। और यहाँ पे मैं अपना पोज दे रही हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ ना, बहुत से लोग मुझे बोलते कि मोटी हो गए, और मैं कैसी लग रही, मेरा डेकोरेशन कैसा लग रहा है यहाँ के, तो ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हम दोनों ने साथ में फ़ोटो क्लिक की, कुछ पिक्चर भी, फिर ये डांस हो गया है। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ ये नहीं रहता है क्योंकि आपको लगेगा कि बहू ससुर डांस करके कि बराबर के कोई ये नहीं है, तो अच्छा लगता है, और ऐसा ही रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए, मन में कुछ नहीं रखना चाहिए। तो मैं इधर कर रही हूँ, अंकिता कर रही है डांस, ये
देखिए डेकोरेट कैसा लग रहा है, आप जरूर बताएगा। और ये पूरा डिंकी परी ने और अंकिता ने वो बलून लगा दिए थे तो बच्चों ने किया, और अच्छा लगा कि जब बेटियां करती है ना तो बहुत है। और यहाँ पे देखिए प्यू है ना, इनको तिलक लगा रही बार 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 बार, यहाँ मस्ती चल रही है। थोड़े से बैठे हम लोग तो हम वेट कर रहे थे ना कि आएगी विनीता करके, तो इसलिए हम मस्ती भी कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारी छोटी नंद का फ़ोन आया गया था तो उनसे भी बात कर रहे थे। तो ये देखिए पी इतनी मस्ती करती है, बाप रे बहुत मस्ती करती है। ये मम्मी आई है ना तो और ज़्यादा मस्ती कर रही थी। और जो तिल जो अक्सिद है ना जो टीका वो इनके ऊपर फेंक रही थी एक दूसरे के ऊपर। और यहाँ पे और फिर हमने थोड़ी देर में फिर पार्टी की, तो यहाँ देखिए अंकिता और एक मैं भी ऐसे डांस की। और ये गाना हमने म्यूट करके रख दिया क्योंकि है ना डांस कॉपीराइट आ जाता, तो इसलिए ये सीटी बजाए दिल धड़काए और जैसा आया वैसे हमने डांस किया। परी को नहीं आता है, परी बहुत शर्माती है, बहुत शाय है, तो वो खड़ी थी और अंकिता भी शर्मा रही थी। तो बस यही चल रहा था और पीहू मज़ा आ रही थी और हम जैसे मनाए वैसे इंजॉय तो करना ही था। और देखिए मैं कितना मोटी देख रही हूँ ना, मुझे करना ही पड़ेगा, अभी घर में रह रहे के मोटी हो गई हूँ मैं। तो यहाँ देखिए इंजॉय कर रही हूँ मैं और अच्छा लग रहा है। और गाइस ये वीडियो बिल्कुल बहुत मेहनत से बनाया है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, तो ज़रूर आप है ना बिल्कुल मतलब आगे बढ़ाइएगा और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये डेकोरेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और हमने स्पीड बढ़ा दी यहाँ पर और डांस कर रहे, हमारी मस्ती देख लीजिए। और पार्टी और मस्ती ना हो तो मजा नहीं। उसके बाद फिर हम लोग देखिए थाली लगा रहे हैं। और ये देखिए ये पिद्दी इतनी बदमाश है, ये खाना मतलब काम में बहुत चतुर है ये। तो ये देखिए सबके में थोड़ा कपड़े चेंज कर रही थी तो फिर मैं ये फिर मैंने अपना ड्रेस चेंज क्योंकि दाग लग जाते, तो यहाँ पे मैं सब्जी सबको ये कर रही सर्व कर रही हूँ और हम खाना खा लेंगे। और थोड़ी पतली सब्जी हो गई थी, पकी नहीं थी मतलब, फिर मैंने और थोड़ी गर्म कर ली थी तो मैं सबको परोस रही हूँ। और हमारा डिनर हो रहा है, वापस सीधा झूपर बैठे हैं और हम नीचे बैठ के पीहू से बात कर रही थी। पीहू भी बोल रही थी मुझे भी बड़ी थाली चाहिए और अच्छा लगा। देखिए पीहू कैसे खा रही है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसको भी हमारे आना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे अंकिता भी खाना खा रही, मैं भी खाना खा रही हूँ। अगर एक भी कोई मेहमान मतलब आ जाए ना तो मतलब सक्सेस लगता है, मतलब फंक्शन हो रहा है, घर घर में हम चुपचाप रह जाते। फिर मैंने कपड़े चेंज करके फिर खाना खा रहे हैं और सिद्धार्थ जी भी ऊपर बैठ के खा रहे, डिंकी भी खा रही है। बिल्कुल सिंपल सा था ना, पूड़ी मैंने नहीं बनाई थी, बस रोटी बनाई थी, सब्जी और पुलाव बनाया था, हो गया हमारा सिंपल सा डिनर। और परी भी यहाँ बैठ जाएगी, परी को मैंने नींबू लाने के लिए बोली थी। तो यही बस चल रहा था। तो आपको कैसा लगा होगा गाइस तो ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए सिद्धार्थ जी को मैंने ऊपर बिठा दिया क्योंकि जो पीयू के पापा थे ना वो लेट आए। फिर ये देखिए हम खाना खाने के बाद पीयू के पापा आए, फिर उनको यहाँ पे अंकिता खाना सर्व कर रही है। और अभी बज चुके हैं 10:30, सवा दस। तो अभी सब खा पी के बेटी की मम्मी नहीं आई है क्योंकि है ना बहुत बारिश है, बच्चे की वजह इसलिए नहीं आई, कल आएगी पीहू का बर्थडे है तो। और पीहू की मम्मी आई है जिनका मतलब हमको भरोसा नहीं था वो आई है, और जो जिनको हमने इनवाइट किया वो नहीं आए। तो कोई ये नहीं जो मतलब दोनों से कोई आए तो चलता है। और हमारी नंद भी नहीं आई क्योंकि नंदू ही गए थे तो उनको भी हमने नहीं बुलाया था, और बड़ी नंद को भी नहीं बुलाया था क्योंकि बारिश थी क्या घर घर में। अभी जब सिल्वर जुबली होगा ना तब हम करेंगे। अभी कितने साल हो गए बताओ? 15 साल हो गए, 15 ईयर्स। अभी 15 ईयर्स हमारे शादी को हो गए और मथे पड़ गई मैं इनके मथे पड़ गई। हाँ कैसे है ना 15 साल से, तो ऐसे ही हम साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे और ऐसे ही मनाते रहेंगे। और आप है ना हमेशा ऐसे दुआ कीजिएगा। और बस यही वीडियो का एंड भी करना था। और आपको कैसा लगा ये जो व्लॉग है, ये जो हमारा फंक्शन है, तो आप जरूर बताइएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।